अभी के व्लॉग में हम आए जॉनी ब्रांड के ऑफिशियल आउटलेट में, शोरूम में, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं लाइनअप में लगे हुए हैं। क्योंकि जो स्टार्टिंग से चालू होता है वो वुल्फ इको होता है, वुल्फ प्लस, जेड एक्स प्लस एंड मेरी मोर मॉडल्स है इसमें। अगर रिव्यू करने वाले तो जैसे कि पेट्रोल में कॉस्ट अराउंड 110 प्लस पार हो चुके हैं और ये टाइम में सबसे बेस्ट होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करना। और जो मैं इलेक्ट्रिक स्कूटी जिसमें लार्ज स्पेस, एफिशिएंसी चार्जिंग एंड इजी हैंडलिंग बैटरी रहती है जो कि आप अपने घर पे भी लेके आके चार्ज कर सकते हो। तो चलिए जाते हैं अभी अंदर शोरूम में और देखते हैं कौन से व्हीकल का हम रिव्यू करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू अवर ब्लॉग। तो गाइस अभी हम लोग जॉय राइड के शोरूम के अंदर आ चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुंदन सर हमारे साथ है, शोरूम के ओनर। तो सर अभी कौन सा गाड़ी आप बताना चाहेंगे? देखिए कैसा है कि इसमें कंपनी जो है, कंपनी ये वर्ल्ड डिजाइन इनोवेशन कंपनी, ये ईवी इंडिया की सबसे पहली कंपनी है ईवी मैन्युफैक्चरिंग में, जो बीएससी बॉम्बे स्टॉक लिस्टेड कंपनी है। तो अभी इसमें इसका प्रोडक्शन है जो बिहार में प्रोडक्शन होता है, इन हाउस प्रोडक्शन। ये जो प्रोडक्ट है मेक इन इंडिया है, प्योरली मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है और उन्हीं का ब्रांड है जॉय ई बाइक। 2016 से मार्केट में है, उन्होंने मॉडल्स निकाले हैं, जैसे उसमें है बुल पिको। ये प्रीमियम सेगमेंट है जो कॉलेज स्टूडेंट, हाउस वाइफ, जो डेली पर्पज यूज करने के लिए है। और उसमें और एक मॉडल है जेनेक्स इको, जो सिंगल चार्ज में करीब करीब 90 किलोमीटर जाता है आपको। और उसमें एक लग्जरी मॉडल में है जो वुल्फ प्लस है और जेनेक्स प्लस है, तो इसमें आपको 100 किलोमीटर का रेंज मिलता है। ये दोनों वेरिएंट है हमारे पास, 90 किलोमीटर प्लस 100 किलोमीटर। ओके, तो सर एक और एक क्वेश्चन है, ये सब गाड़ी के लिए लाइसेंस रहना चाहिए कि नहीं रहना? हाँ, ये कैसा है अभी, ये रजिस्टर्ड व्हीकल है सर। ओके, तो इसमें आपका लाइसेंस इंश्योरेंस ये मैंडेटरी है। फर्स्ट मॉडल दिखाना चाहता हूँ हमारी कंपनी ने जो लॉन्च किया है, फुल प्लस। अभी इसमें खासियत क्या है कि जैसे इसमें आपको एक्टिवा जैसा मिल पाता है, अभी इसमें क्या है कि आपको फ्रंट में अलॉय व्हील दिया हुआ है, अलॉय व्हील दिया हुआ है और सीएट के इंडियन टायर दिए हुए हैं, ट्यूबलेस टायर दिए हुए हैं और आगे हाइड्रोलिक फोक सस्पेंशन है। आप देख सकते हैं पीछे की इन्होंने कंपनी ने एक अच्छा काम किया है कि ड्यूअल हाइड्रोलिक सस्पेंशन किया। इसी जैसे इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, कलर डिस्प्ले दिया हुआ है, डिजिटल दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, ये इधर डिजिटल डिस्प्ले है डिजिटल। और इसमें कैसा है, कंपनी ने जीपीएस भी दिया हुआ है, कितने किलोमीटर में क्या जाता है कि आपकी बैटरी कितने परसेंट पे आप कैसे जाएंगे, कितने किलोमीटर जाएंगे। इसमें तीन मोड्स है बेसिकली, फर्स्ट मोड है इको, सेकेंड मोड है स्पोर्ट्स, थर्ड मोड है हाइब्रिड। ये गाइस सिंगल चार्ज में 100 किलोमीटर तक चलेगा एंड इसका बैटरी दिखा सकते हैं। हाँ जी, अभी हम इसका ऊपर के तो सब सिस्टम देख लिए, अब इसके जो चार्जिंग सिस्टम है तो वो देखते हैं। इधर आपको बूट स्पेस मिलेगा, थोड़ा सा सामान वगैरह आपका रखने के लिए। एंड अगेन इसको ओपन करेंगे हम तो इधर बैटरी है जो कि रिमूवेबल बैटरी है, डिटैचेबल बैटरी, आप घर पे आके भी चार्ज कर सकते हैं इसे। संजीव ने बताया है कि डिटैचेबल है, अभी डिटैचेबल एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। अभी जैसे मुंबई में हाल ही में 7+ स्टोरेज का ये हुआ है, कंपनी ने बहुत सोच समझ के ये एक स्टेप लिया है कि हम लोग बैटरी को छोटा से छोटा और डिटैचेबल कैसे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप देख सकते हो कि डिटैचेबल करना है आपको, क्या करना है, सिर्फ गाड़ी को आपको ऑफ करना है, यहाँ से ऑफ करने के बाद आपको ये यहाँ से लेके एमसीबी स्विच होता है वो ऑफ करके इजीली आपको यहाँ से निकालना है। जैसे आप यहाँ उसको निकालते आपकी बैटरी बाहर आ जाती है और ये बहुत लाइट वेट है, अराउंड 14 केजी तक आप उठा सकते हो इसको।
और हम जो भी अभी 2-3 फ्लोर पे घर रहेगा आपका, तो आप देख सकते हैं, इसको लेके आ सकते हैं आराम से। बैटरी है ये टोटल, और कंपनी ने बहुत सोच समझ के बैटरी पैक बनाया है जो यूनिक है। और इसका हमारा जो यूएसपी है जो बैटरी पैक है, क्योंकि बैटरी में बीएमएस इनबिल्ट है। जैसे अभी आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस में, या आपकी ईवीस बैक गाड़ियों में आग पकड़ती है, तो वो न पकड़ने के लिए उसके उसका रीज़न है कि इसमें बीएमएस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम इनबिल्ट किया हुआ है। तो इससे क्या होता है कि आपको ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन, वोल्टेज फ्लक्चुएशन, हीट सेंसर, ये सारे डिटेक्ट करते हैं। अगर ये बैटरी का टेम्परेचर 40 के ऊपर जाता है, ये ऑटोमेटिकली ट्रिप करता है। तो ये होम चार्जिंग के लिए बहुत सेफ है। ये कितना किलोमीटर का कॉस्ट करते हैं हमारे? ये आपको कॉस्ट करती है 20 पैसे पर किलोमीटर। 20 ये आपको 20 रुपए में, मात्र 20 रुपए में आपको 100 किलोमीटर की रेंज। ओके, तो गाइस देख सकते हैं कि 20 रुपीज में के चार्जिंग में आप जा सकते हैं 100 किलोमीटर तक, क्योंकि पेट्रोल तो अराउंड देख सकते हैं आप 110+ है। एंड उसमें भी आपको कितना एवरेज मिलेगा एक नॉर्मल स्कूटी का या बाइक का मिल मिलकर 45-50 मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो उस टाइप से देखा जाए तो चार्जिंग इज बेस्ट। तो गाइस अभी जो इसके पहले जो आपने देखा वो वोल्ट प्लस का मॉडल, और अभी ये सेकेंड मॉडल है जो कि अभी लेटेस्टली लॉन्च हुआ है, जिसको हाल ही में 3-4 दिन हुए, वोल्ट इको। तो ये वोल्ट इको जो प्रीमियम रेंज में निकाला है, जो कॉस्टिंग जो है प्रीमियम है, अराउंड 1 लाख के नीचे आ जाता है। तो उसमें भी यही है कि ये आपको सिंगल चार्ज में 90 किलोमीटर, सिंगल चार्ज में एक सिंगल चार्ज में 90 किलोमीटर, जिसका आपको 17 पैसे पर किलोमीटर चार्जेस लगता है। प्लस इसके बैटरी के अंदर GPS और सिक्योरिटी भी है। और एक सिस्टम रहता है जो कि सायरन का सिस्टम रहता है बजने वाला, वो मैं अभी आपको बाहर दिखाऊंगा। जो इन्होंने जो फीचर्स बताया उनका एक थोड़ा सा मोबाइल में दिखाना चाहता हूँ। जैसे आप मोबाइल का ऐप जॉय बाइक का, तो जैसे अभी ये गाड़ी ट्रेस है, अभी ये गाड़ी ट्रेस है, ये लोकेशन दिखा रहा है जॉय ई बाइक। आपकी प्रेजेंट गाड़ी या कल्याण मेरे शोरूम में खड़ी है, तो वहाँ लोकेशन दिखा रहा है। आप देख सकते हैं इसमें 50% चार्ज है, और 50 समय आप कितने रेंज तक जा सकते हो वो भी दिखा है 45। तो इससे क्या होगा कि आपको घर बैठे भी आप ट्रैक कर सकते हैं कि मैं अगर मुझे कहाँ जाना है, यहाँ 100 किलोमीटर जाना है, तो मुझे बैटरी चार्ज करनी है नहीं करनी, घर बैठे आप ये ऐप से देख सकते हो। प्लस ऐप में और फीचर्स है, जैसे जियो फेंसिन है, बैटरी अलर्ट है, जैसे भी आपका बैटरी लो होता है तो वो भी दिखाता है। और दूसरा चीज, ये डायग्नोस भी करता है आपने कैसा चलाया है, कौन से स्पीड में चलाया है, ये सारे डिफरेंट फीचर्स है। और दूसरी चीज, आपने कितना पेट्रोल सेव किया, कितने ट्रिप्स के सेव किए, वो भी देखो आपने कितना पेट्रोल सेव किया। क्योंकि मतलब बोलते ना कि इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने से कुछ नहीं होता, तो उनके लिए एक बेस्ट है ये, जो कि कैलकुलेशन रहता है कि आपने कितना पेट्रोल सेव किया इसमें। सो गाइस जैसे हमारा शूट चालू था, ये बीच में कुणाल सर यहाँ पे और एक कस्टमर आए, तो हम इनका एक डायरेक्ट रिव्यू लेंगे कि आपने सर कौन सा बाइक स्कूटी बाइक है। वोल्ट प्लस लिया मैंने। ओके, वोल्ट प्लस नवंबर को लिया था। सो अभी एक महीना हुआ है, सो एक्सपीरियंस तो अभी नहीं बता सकता, बट एक महीने का जो पेट्रोल एक्सपेंसेस है 1000, वो डेफिनेटली सेव हुआ है। ओके, एंड कुछ पॉजिटिव बात या नेगेटिव पॉइंट जो हुआ लेने के बाद गाड़ी से? पॉजिटिव तो जैसे अभी लाइक इन्वायरमेंटली ऑल्सो नो इट्स अ न्यू थिंग, सो इट्स गुड फॉर अस। ओके, कि हम लोग कुछ इन्वायरमेंटली कुछ हेल्प करें, तो इसके लिए मेरा नया कॉन्सेप्ट हो रहा है। मैंने सोचा कि वो पेट्रोल वाला बेच के मैंने फिर ये लिया। ओके, सो इट इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, और फिलहाल तो अच्छा है, सो आगे देखते हैं। तो अब और पब्लिक लोगों को क्या देखने वाले लोगों को क्या बोलना चाहिए? मैं उनको बोलना चाहूँगा कि ये इट्स अ वेरी गुड कॉज ऑल्सो, लाइक गवर्नमेंट ऑल्सो हेल्पिंग दैट गिविंग रिबेट्स ऑन दिस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा लोग आके परचेज करना चाहिए। ओके, क्योंकि पेट्रोल से डेफिनेटली पोल्यूशन होगा, सो इससे हम लोग एनवायरमेंटली ऑल्सो हेल्प कर सकते हैं। ओके, सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, सर आपका नाम केशव। हाँ, केशव सर ने हमें अच्छा सा एक रिव्यू दे दिया वीडियो के लिए, थैंक यू वेरी मच फॉर द रिव्यू। थैंक यू। एंड अभी हम जाते हैं बाहर और टेस्ट ड्राइव लेते हैं।
गाइस अभी आप देख सकते हो इसका एक फीचर देखना था जो कि एंटी थेफ्ट वाला है। तो सर अभी दिखाएंगे आपको कि एंटी थेफ्ट कैसा वर्क करता है ये वाले स्कूटी पे। इसे आप देख सकते हैं ये की है जो इसमें आपको रिमोट भी आता है। तो जैसे आप अगर मासूम जी मान लीजिए आप लॉक करके मार्केट में चले गए, आपने एंटी थेफ्ट सिस्टम ऑन कर दिया, अगर मान लीजिए कोई टूट रहा है तो ये अलर्ट करेगा फोन, कोई इसको मूवमेंट कर रहा है या फिक्स कर रहा है और बाकी तो ऐप वाला फीचर था वो आपको हमने दिखाया था उधर। और दूसरा इसमें फीचर है रिमोट में और सेकंड फीचर है कि जैसे आपने पार्किंग में रखा है मेरी गाड़ी नहीं मिलती दूसरा चीज अगर एंटी थेफ्ट सिस्टम में कोई चाबी भी डालना चाहता है कोई अगर ट्राई कर रहा है ओपन करने का तो भी ये अलर्ट करेगा। लास्ट फीचर इसमें है रिमोट कीलेस ऑपरेशन, जैसे आप इसको दो बार दबाते हैं जैसे इसको आप दो बार दबाते हैं गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ये देखो गाड़ी स्टार्ट हो गई है आप देख सकते हो। तो इसमें कीलेस फीचर में गाड़ी स्टार्ट भी होती है एंड ऑफ भी होती है। सेकंड वन अब पार्किंग में गाड़ी लगाए रहते हो आपको फाइंड आउट करने में बहुत दिक्कत होते हैं तो ऑन द वन प्रेस ऑफ बटन वी कैन नो हाउ द गाड़ी वेयर द गाड़ी। एंड थर्ड इसमें तो टायर्स लॉक होते हैं जो कि बहुत अच्छा एक सिस्टम है, जो भी गाड़ी को आपको एक धक्का मार के छेड़खानी करके आगे लेके आना चाहेगा तो वो टायर्स लॉक हो जाएंगे। फोर्थ वन रहता है कि स्पेयर की बन जाती है, तो स्पेयर की भी नहीं बन पाएगी क्योंकि चालू होती ऑटोमेटिक अलार्म कर देता है। सो एंड आपको मोड्स का तो मैंने आपको दिखाया है कि कैसे फर्स्ट मोड सेकंड मोड थर्ड मोड पे जाती है और सब मोड के टॉप पर भी दिखाया है। एंड कंपलसरी इसे लाइसेंस लेना ज़रूरी है, रजिस्टर गाड़ी होती है ये, इसके वजह से लाइसेंस लेना ज़रूरी है। ठीक है जिसका नाम है वुल्फ एको आप देख सकते हो ये नाम है। तो अभी हम इसका टेस्ट ड्राइव लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम चालू करते हैं इधर से और ये डायरेक्ट चालू हो जाती है और इसको ब्रेक दबा के ये ओपन हो जाता है। और अभी हम इसका ये देखें इसमें फर्स्ट है इधर आप देख सकते हो फर्स्ट मोड मोड नंबर वन पे। तो अभी हम जाते हैं और इसका स्पीड टेस्ट करते हैं फर्स्ट मोड पे कितना सेकंड मोड पे कितना। सो जैसे हम गए सो अभी हम फर्स्ट मोड पे एंड फर्स्ट मोड पे ये जाती है 28 किलोमीटर्स पर आवर। ये फर्स्ट मोड का रिव्यू हो गया। सो गाइस फर्स्ट मोड पे 28 तक गई एंड देन सेकेंड मोड पे शिफ्ट किया हमने 37 ऑन सेकेंड मोड एंड थर्ड मोड पे जाते एंड थर्ड मोड पे 46 जा रही है। तो सर हमें सर थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस रिव्यू एंड इसके बाद भी जो नए नए अपकमिंग वेहकल आएंगे उसके भी हम रिव्यू करेंगे। सर अराउंड प्राइस के बारे में कुछ पता चाहिए कितना रहेगा? इसे बेसिकली स्टार्ट होती है ये प्राइस आपकी स्टार्ट होती है तो है वो 1,05,000 से स्टार्ट होती है। जो जेनेक्स मॉडल है हमारा वो जेनेक्स इको है वो हमारा 1,02,000 में स्टार्ट होती है और जो वुल प्लस है वो जाता जेनेक्स प्लस है इसमें और एक वो जाता 1,26,000 का और ये जाता है आपको 1,00,000। तो जो जेनेक्स वाला वीडियो है वो मैं नीचे एक लिंक दे दूंगा वो वाले चैनल पे आ जाएगा पूरा इसका डिस्क्रिप्शन रिव्यू वगैरह सब है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स गो। Yeah!